बैक टू बेसिक्स। इन दिस पार्ट ऑफ बैक टू बेसिक्स वी विल लर्न अबाउट हाउ टू रिड्यूस अ फ्रैक्शन, गिवन फ्रैक्शन इन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। सो ये लोएस्ट फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट फॉर्म को एक और नाम है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए कि ये एक गिवन फ्रैक्शन को हम कैसे उसके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेट अस कंसिडर अ फ्रैक्शन एज 45/60। सो 45/60 ये एक फ्रैक्शन है और हमें इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम बारी बारी से पहले देखेंगे कि 45 और 60। अब ये आपको दिख रहा है कि ये 5 के मल्टीपल है, जैसे 9 फाइव ज़ार 45 और 12 फाइव ज़ार 60। ठीक है, तो 5 के मल्टीपल है ये। ठीक है, साथ में ही ये 3 के भी मल्टीपल है, जैसे 15 थ्री ज़ार 45 और 20 थ्री ज़ार 60। ठीक है, तो किसी भी एक नंबर से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करना मतलब जो भी कॉमन दोनों के फैक्टर हो उससे इन्हें डिवाइड करना है। तो हमने देखा कि 3 भी है 5 भी है, तो लेट्स डिवाइड इट बाय सपोज 3। अब 45 को 3 से डिवाइड किया तो हमें क्या आंसर मिलता है? 45 कम्स इन टेबल ऑफ 3, बट हाउ मेनी आर 15 आर। सो मतलब इसका आंसर न्यूमरेटर का आंसर आएगा 15 एंड डिनोमिनेटर 60 डिवाइड बाय 3। सो 60 डिवाइड बाय 3 इज 20। ठीक है, तो ये तो लोएस्ट फॉर्म में नहीं था, बट या ये लोएस्ट फॉर्म में है। तो हमने देखा तो चेक किया कि ये दोनों भी 5 के टेबल में आते हैं, 15 एंड 20। तो हमने क्या किया, 15 एंड 20 को फिर फर्दर डिवाइड किया। 15 एंड 20 इसे डिवाइड किया किसी कॉमन मल्टीपल से। कौन सा है वो कॉमन मल्टीपल? हमें पता है कि ये दोनों भी 5 के टेबल में आते हैं, 15 भी और 20 भी। तो हमने 5 से डिवाइड किया। 5 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा आंसर? ये मिलेगा 5 थ्री ज़ार और ये मिलेगा 5 फोर ज़ार। 5 थ्री ज़ार 15, 5 फोर ज़ार 20। अब ये जो 3 और 4 बचा है नंबर, क्या इसको हम फर्दर इन दोनों के कुछ कॉमन मल्टीपल है क्या? तो हमने देखा कि इनके फैक्टर है क्या, तो हमने देखा कि इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी ये आगे डिवाइड नहीं हो सकते हैं। ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम भी कहते हैं कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसे है, को प्राइम। तो क्योंकि ये को प्राइम है, क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर अब नहीं है 1 के अलावा, तो इसे हम कहेंगे इज इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, पर एक दिक्कत है इस मेथड में कि ये इजी तो है, बहुत इजी है, बट ये थोड़ी लेंदी है। जैसे अब ये तो नंबर ठीक है, छोटा था। ठीक है, अब अगर मान लो हमने एक नंबर लिया 24 एंड 120। ठीक है, तो 24 एंड 120 हमें पता है कि दोनों इवन नंबर हैं, तो हम सबसे पहले डिवाइड बाय 2 करेंगे। 24 डिवाइड बाय 2 एंड 120 डिवाइड बाय 2। डिवाइड किया तो क्या मिला हमें? ये मिल जाएगा 12 और ये मिल जाएगा 60। फिर 12 और 60 को हमने फर्दर डिवाइड किया, 12 डिवाइड बाय और 60 डिवाइड बाय। क्या इसको फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं? तो हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? 6/30। फिर 6 और 30 फिर से इवन नंबर है, तो हमने 6 और 30 दोनों को डिवाइड बाय 2 किया तो हमें मिलेगा 3/15। 3/15, इस 3/15 को हम फिर फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, 3 डिवाइड बाय एंड 15 डिवाइड बाय। क्या है कॉमन? देखिए कॉमन है 3, कॉमन फैक्टर। सो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 5। तो भाई देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक हम पहुँचे और ये है हमारा लोवेस्ट फॉर्म। क्या है? लोवेस्ट फॉर्म। तो इस तक पहुंचने में एक प्रॉब्लम हुई कि हमने बहुत सारी स्टेप्स यूज़ की। इसको रिड्यूस कर सकते हैं कौन से कॉन्सेप्ट को यूज़ करके? HCF के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। अगर हम पहले ही 24 और 120 का HCF निकालते, ठीक है,
तो हमने सीखा ये मेथड कैसे है, 24 और 120 का HCF हमें पता है, ठीक है। तो अगर हम 24 और 120 का HCF निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए 24 के फैक्टर्स क्या हैं, हमें पता है 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है, ये हो गए 24 के फैक्टर्स। और 120 के फैक्टर्स क्या हैं, देखें 2 × 2 × 2 × ये हो गया 8। एंड फर्दर एक और बार अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3 से किया एंड देन 5 से किया, सो 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, 30 × 2 = 60 and 60 × 2 = 120। फिर से देखिए 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, 30 × 2 = 60, 60 × 2 = 120। अब इनमें कॉमन क्या है, 2 है, 2 है, 2 है और 3 है, ठीक है। तो क्या है कॉमन, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। तो HCF ऑफ 24 एंड 120 इज कितना आ गया, 24। यानी हम क्या करेंगे, सीधा 24 और 120 को इतने सारे नंबर से डिवाइड ना करते हुए सीधा 24 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 24। सो हमें मिल जाएगा क्या, 1/5, ओके। आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, सो ये मेथड और ये मेथड दोनों में कंपैरिजन सिर्फ इतना है कि ये अगर हमारे जो कॉन्सेप्ट ऑफ HCF इज क्लियर देन डेफिनेटली वी शुड यूज़ दिस मेथड, अदरवाइज इस मेथड से भी हम फाइंड कर सकते हैं, बट द ओनली फैक्टर इज इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। सो होप दिस पार्ट वॉट एवर वी हैव लर्न्ड दैट हाउ टू रिड्यूस अ फ्रैक्शन दैट इज़ वेरी क्लियर टू यू, सो विद दिस विल स्टॉप हियर, टेक केयर।